हाय मैं कितने बच्चों को सर्वसमीकार कठिन लगता है, मुश्किल लगता है? हाथ खड़े करो। सर्वसमीकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा बच्चों? ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग का सूत्र क्या है? ये भीमपुर बैतूल का कोई भी बच्चा मुझे बताए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खूब पढ़ा है आपने, या कोई भी बच्चा, कोई जिसको आता है वो अपना जल्दी से माइक उठाए और बताए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है किसी बच्चे को कहीं पर भी? अलीराजपुर, कोई भी बच्चा जिसको आता है और माइक उसका चालू हो जाए तो मुझे बताइए ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या? इसका मतलब सारे बच्चे डरते हैं, है ना, आइडेंटिटी से। चलिए आज बहुत मजेदार एक खेल खेलेंगे जिसमें आज आपको आज के बाद आइडेंटिटी में कोई डर नहीं होगा, ठीक है? हम ये देखते हैं यहाँ पर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुपद के लिए भी है, और आगे हम जितने चैप्टर्स आगे की क्लासेस में भी और आगे चैप्टर्स में भी बहुत जगह हमारा ये आइडेंटिटी सर्वसमीकाओं का उपयोग होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर 2ab और b का। आपके पास एक ऑप्शन यही है कि आप इसको याद करो, है ना, और कभी कभी हम लोग ज्योमेट्री एक वाली एक मेथड है उससे भी बताते हैं कि ये कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो बच्चों शायद आपको ये बताया गया होगा कि यदि मेरे पास एक a का स्क्वायर है, ये a है ये, तो इस स्क्वायर का मान हो गया a का स्क्वायर, ठीक है। कितनी लंबाई यदि मेरे पास है b और ये भी है b, तो ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया और इसका मान हो गया b का स्क्वायर। अब चूंकि ये लंबाई है b और ये खड़ी वाली जो है वो a है, तो ये एक आयताकार एरिया है जिसका लंबाई में चौड़ाई तो ab बन गया। ऐसे ही ये a है, ये भी a है, तो ये हो गया आपका a, और ये b था इसलिए ये b, तो ये भी ab हो गया। तो इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा है कि पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का, a प्लस बी में हमने दो बार गुणा किया और वो से ज्योमेट्री से भी हम प्रूव कर सकते कि a धन b लंबाई है, a धन b चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई को यदि हम लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? a का स्क्वायर आया, a b का स्क्वायर आया और a भी दो बार आ रहे हैं, तब मिल के पूरा की पूरा a प्लस बी बन गया। लेकिन यदि हम इसे गणितीय या कैलकुलेशन से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक मेथड और सिखाई गुणा वाली, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे a, a धन b के दो टुकड़े कर लो, एक है a और एक है धन b। इसके साथ दूसरे वाले पूरे कोष्ठक का हम गुणा करेंगे और धन बी के साथ भी पूरे कोष्ठक का हम गुणा कर देंगे। हमको याद नहीं हो रहा मान लो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? अब a का हमने जब a में गुणा किया तो a गुणा a a का स्क्वायर, a गुणा b a b, b गुणा b, चाहे तुम b a लिखो चाहे a b, और जब b का b में किया तो b का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है और a b दो बार है इसलिए 2ab हो गया और ये हो गया b। कितने तरीके हो गए? एक तो आपको याद हो गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर। आप भूल गए तो आपने गुणा करके देख लिया, ठीक है। और एक अभी मैंने जो बताया
कि आपने ज्योमेट्री वाली मेथड से भी कितना क्वेश्चन में आपने, ये ए है आपका और ये बी है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये ए बी है आपका, ये ए बी है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, जो ए स्क्वायर है एक छोटा स्क्वायर बन रहा है, जो बी स्क्वायर है, तब भी आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए बी और बी का। एक तरीका ये, एक तरीका ये, एक तरीका याद करने वाला, कैसा, कि आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बार प्रैक्टिस करके याद कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक छोटी सी जिससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब दोनों आपको याद हो जाए, ठीक है। सब बच्चे पहले समझ लेंगे और फिर अपनी कॉपी में बना के देखेंगे। जरा देखो, वन और वन वन, इतना लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी हाथ खड़े करो, इतना लिख सकते हो कॉपी में, मेरी आवाज आ रही है आपको, हाथ खड़े करके बताओ मेरी आवाज आ रही है। हेलो, कितने बच्चों को आ रही है, बामोरी गुना, मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है तो हाथ खड़ा करो जरा जोर से, आज खाना नहीं खाया है तो आवाज, वेरी गुड। अब मुझे बताओ वन वन ऐसा लिख सकते हो, जल्दी लिखो कॉपी में, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मतलब आपके यहाँ प्रॉब्लम है, बैटरी बैटरी की प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चों को, स्क्रीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब आपके माइक में प्रॉब्लम है क्या, देखिए, या नेट में प्रॉब्लम है? हाँ, नेट में कोई हो सकता है मैडम। ये वन वन लिखा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से वन लिखा और एक जोड़ के दो लिख दिया, फिर से वन लिख दिया, फिर हमने वन में और बता देती हूँ, है ना सर, एमपीएस कटनी, फिर वन वन लिखा, फिर वन टू वन लिखा, सामने वाले लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैंने तो हाथ खड़े करके पूछ लिया, आपको नहीं आ रही? हाँ, उनकी नहीं आ रही, और अभी वो भी प्रकाश, वो भी थे, उनकी भी नहीं आ रही। तो ये वन, फिर वन वन लिखा, फिर वन वन तो आपको लिखना ही है किनारों पे, और बीच का जो अंक है वो इनको जोड़ जोड़ के लिखना है। यदि इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली तो अब आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, और कोई आपसे पूछे कि ए प्लस बी के ऊपर पांच की घात वाला बताओ तो आप फटाफट बता सकते हो, है ना। तो हम एक क्यों ना ऐसी चीज सीख ले जिससे हम कभी इस सूत्र को भूले ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप यदि फुर्सत में बैठे हो तो आप अपने घर में ये बनाते चले जाना, ठीक है। अब मैं आपको इसका यूज बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट में यहाँ ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ, वन वन वन, वन टू वन, वन थ्री थ्री वन। अब मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बार बार भूल रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी, सुनो ध्यान से, ए के ऊपर बड़ी सबसे बड़ी घात क्या है, दो है तो दो लिख दी, थोड़ी जगह छोड़ के उससे एक कम कर दी तो हम लिखते ही नहीं है, एक ही घात लगाने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पर ए आएगा ही नहीं क्योंकि एक ही घात जीरो हो गई। अब है दूसरा वाला, तो क्योंकि टोटल घात होना चाहिए दो, तो हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ से बी शुरू करेंगे और यहाँ लिख देंगे बी की घात बढ़ रही है, ए की कम हो रही है, बी की घात बढ़ी और ए की कम हुई, और उठा के एक दो एक, इसका काम के इसका काम दो और इसका एक, हम ये लिखते ही नहीं, तो बस हो गया। अब देखो जरा ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने क्या बताया, सबसे पहले ए के ऊपर तीन की लगाओ, फिर दो की लगाओ, फिर एक की लगाओ, फिर एक की भी लगाओ। अब बी के ऊपर यहाँ से बी नहीं शुरू करते, बी यहाँ से करते, बी बी का स्क्वायर और बी का क्यूब, और लिखना क्या है,
एक तीन तीन एक एक तीन तीन और एक और सब में क्या लगा दो ठीक है। कितने बच्चों को समझ आ गया, हाथ खड़े करो। आ गया? यदि a प्लस बी होल फोर होता तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं a फोर a थ्री a स्क्वायर a और छोड़ दो, फिर यहाँ से b b स्क्वायर b क्यूब b फोर और इसके बाद आ रहा था एक चार एक चार छह चार a एक चार छह चार a। अब कोई पूछे तो आप a प्लस बी होल फोर भी बता देना और वो भी आप भूलोगे नहीं। तो बच्चों ये प्रैक्टिस आप जरूर करो ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक दो तीन क्या लगते हैं एक हाँ आराम से पूछिए क्या बता दो क्या लगते हैं क्या चीज सारे बच्चे बोलेंगे तो सुन बोलो बेटा मैं पास्कल त्रिभुज समझ में नहीं आया। ये पास्कल का ट्रायंगल है लेकिन हमें a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब सीखने में बहुत मदद करता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम भूलेंगे नहीं और डरेंगे भी नहीं ठीक है, इसलिए इसका यूज कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दूं, पास्कल का ट्रायंगल भी रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले वन लिखते हैं, फिर वन वन लिखते हैं, फिर वन और दोनों को जोड़ के लिखते हैं, किनारे पे हमेशा वन लिखेंगे हम और बीच की संख्याओं को हम जोड़ जोड़ के ऊपर लिखते जाते। तो ऐसे यदि हमसे कोई कहे कि a प्लस बी के ऊपर 100 की घात लगाओ तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा, हम a की घात को कम करते चलेंगे, b की घात को बढ़ाते चलेंगे और ध्यान रखें कि दोनों की घात मिला के दो और एक तीन, एक और दो तीन तीन, यदि क्यों है तो घात तीन ही होना चाहिए, गलती से भी हमारी घातों का योग चार या पांच ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। अब बात आती है बच्चों माइनस की, तो जब माइनस की बात आएगी तो हम अल्टरनेट पहला शुरुआत करेंगे धन से और बिना कुछ सोचे धन प्रिंट धन प्रिंट करते जाएंगे, धन तो दूसरा ऋण फिर धन तो अगला ऋण। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको हटा दें। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके फाइनल एग्जाम में आना ही चाहिए ठीक है, इसी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो इसके बाद एक और आइडेंटिटी है वो भी बच्चों को याद होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार कोष्ठक के अंदर धन लगाओ और एक बार ऋण का चिन्ह लगाओ और दोनों को उनके स्क्वायर हटा के लिख दो ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है बच्चों को, a प्लस बी प्लस सी का होल ठीक है, कौन बता सकता, जल्दी से माइक उठाओ, किसे याद है ये आइडेंटिटी पूरी, साची राय से मुझे लग रहा है सब बच्चों को याद है, चलिए बताइए जल्दी। हेलो मैम, हाँ बोलिए, बताइए बताइए, कोशिश कर सकते हैं, गलत होगा तो हम सुधारेंगे। हेलो मैम, बोलिए। एमपीएस कटनी। एमपीएस कटनी कटनी, ओके, नाम भी बताओ। बेड़ीलाल मेहरा। चलिए बच्चे बताइए जल्दी क्या होगा इसका उत्तर, हाँ बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और टू ए बी, टू ए बी प्लस टू बी सी, टू बी सी और टू सी ए, टू सी ए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, आपको याद है पूरा। अब ये कैसे आया, मैक्सिमम बच्चों को ये याद होना चाहिए, यदि हम देखें तो क्या है,
1 2 3 यानी पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर लिख दिया। फिर बारी बारी से हम ए को बी में गुणा करके दुगना कर ले, फिर बी को सी में गुणा करके दुगना, फिर ए को सी में गुणा करके हमने दुगना किया। लेकिन कैसे आया ये, थोड़ी देर के लिए हम बी प्लस सी को टी मान लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस टी का वर्ग, ए प्लस बी का स्क्वायर का ए का वर्ग, टू ए बी और बी का वर्ग। बी की जगह हमारा टी है तो हम टी लिखते जा रहे हैं। अब टी क्या था बोल दो भाई, टी था बी प्लस टी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर, टू ए बी, टू ए सी, और ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला। अब हम सबको अलग से जमा देंगे, स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर लिया और जो बची हुई टर्म है वो हमने एक तरफ कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 2ab, 2ac और 2bc में किसको पहले लिखें, ठीक है। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी यदि यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं बच्चों, है ना, यहाँ पर यदि माइनस का साइन आ जाए, अब कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि कौन सी चीजों में बदलाव आएगा हेलो पूरे सूत्र में। हेलो, हाँ मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या चीज आप नहीं दिख रही उसमें? अच्छा अच्छा, आप दिख रही हूँ? नहीं। अच्छा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा भाई, अभी दिख रहा था इससे पहले? अब जब से ही नहीं दिख रहा। फिर आप अपने आप डिसाइड करो कितने बच्चों को मैं दिख रही हूँ और बोर्ड दिख रहा है। आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, बाकी देखो और जगह तो दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब आपके यहाँ कुछ गड़बड़ है, आपके है ना। बाकी बच्चों को मैं दिख रही हूँ, मतलब यहाँ से सही है ना, अलीराजपुर में नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? बमोरी में। बमोरी में बच्चों थोड़ा सा अपने टीचर से पूछो, कुछ वहां से कनेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? ओके चल, है ना। अब यदि मैंने यहाँ माइनस कर दिया, चलो आप सुन के बोलो, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यदि है तो सूत्र में क्या बदलाव आ जाएगा, जरा कोई बताएगा मुझे? यस मैम। हाँ कौन बताएगा? कटनी से, वेरी गुड। यस क्या बताएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ सी प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में रहेगा। चलो और फिर प्लस टू ए बी। हाँ माइनस टू बी सी। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ? टू बी सी क्योंकि मैम प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, यहाँ सी माइनस में है। वेरी गुड, यदि हम सी को यहाँ पर माइनस सी रख दे और यहाँ भी हम माइनस सी रख दे और यहाँ भी हम माइनस भी रख दें, तो क्योंकि स्क्वायर है इसका कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जहाँ वो स्क्वायर नहीं है उस पद को वो माइनस कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा पद ऋणात्मक है और वो जहाँ जहाँ जा रहा है, यहाँ सी है यहाँ सी है, तो वो दो पदों को क्या कर देगा, नेगेटिव या ऋणात्मक कर देगा, ठीक है। तो अब हम, हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे पहले बताओ, कहाँ से बोल रहे बोलिए। चलिए आगे बढ़े, अब हम आते हैं किसी एक सवाल पर जो इनकी मदद से होगा। बच्चों एक आइडेंटिटी और, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में खाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड। ध्यान रखना
कि जब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं और ये भी पढ़ लेते हैं तो हमें हल्का सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि दो गुना आ रहा था कि नहीं, धन आ रहा था कि ऋण। तो बच्चों एकदम क्लियर है कि जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर में 2ab, 2bc, 2ca आता ही है, और जब वहां कोई नेगेटिव था ही नहीं तो हम माइनस का क्यों लगाएंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि उस फॉर्मूले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ 2 भी नहीं आएगा। ये दोनों आइडेंटिटी जो है थोड़ा सा बार बार लिख लीजिए क्योंकि ये कंफ्यूज करती है थोड़ी सी एक जैसी होने की वजह से। अब हम लगाते हैं आइडेंटिटी पर बेस्ड एक प्रश्न। सभी लोग मेरे साथ साथ करेंगे। प्रश्न है 102 का क्यूब बताओ। सर्वसमिका की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से हैं ऐसे सवाल, भले वो 102 का है, 104 का है, 105 का है, 99 का है, लेकिन ऐसे प्रश्न आइडेंटिटी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम लिखेंगे 100 धन 2 का क्यूब। हमारे पास a की जगह पे आ गया 100 और b की जगह पे आ गया 2 और फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र या सर्वसमिका जो आपको लिखना है आप लिखोगे a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब 3a² b 3ab² और b का क्यूब। किसी किसी बच्चे ने इसी सूत्र को ऐसे भी पढ़ा होगा, इन दोनों पदों में से 3ab कॉमन निकाल के a प्लस b भी लिख सकते हैं, दोनों राइट से ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ a है वहां तो रख देंगे 100 का क्यूब, हम दूसरी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और b की जगह हम लिख देंगे 2 का क्यूब, 3 × 100 × 2 और 100 × 2। हमने a और b की जगह पर जो भी मान है उसको यहाँ पर रख दिया। बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी या ऊपर वाला दोनों में से कोई भी सूत्र याद रखना, बस इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ a का मान 100 और b का मान 2 रखना है और सारे बच्चों को क्यूब निकालना आता है। 100 का क्यूब देखो जरा, 100 का क्यूब यानी 100 का 3 बार गुणा 1 2 3 4 5 6, एक के बाद हम 6 जीरो लगा के यहाँ पर 2 3 4 5 6। 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 8, 3 × 6 × 100 600 और 100 × 2 102। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 × 8 और 102 का जब हमने 6 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा 612। 6 × 12 6 × 6 और उठा के अब हम सारी चीजों को जोड़ देंगे, ये है 8 और ये 5 डिजिट तक है 612 00, तो 8 0 2 1 6 है ना, 0 6, ये आपका उत्तर है। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि ये सही है या नहीं, तो 102 × 102 यहाँ पे करो जल्दी से, 102 × 2 = 4 0 0 0, 102 = 4 0 4 0। हेलो मैम। हाँ मैम, दिख नहीं रहा बच्चों, कहाँ से नहीं दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा कि ब्लैक बोर्ड? मैम ब्लैक बोर्ड से ऊपर ऊपर दिख रहा, आप थोड़ा नीचे करिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप इस कैलकुलेशन को अपनी कॉपी में जल्दी से करके दिखाओगे, मुझे आ रहा है?
यहाँ फिर से करूँ, यहाँ बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ करूँ, यहाँ करूँ? हाँ चलो, हाँ मैम चलो यही कर देती हूँ मैं। ये हो रहा है, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि यदि मुझे 102 का होल क्यूब निकालना है और मैंने निकाल दिया और बाई चांस मैंने छोटी सी गलती कर दी तो मेरे नंबर कट जाएंगे। तो यदि मेरे पास टाइम है तो मुझे सिंपल मेथड से भी इसको निकाल के चेक कर लेना चाहिए कि सच में इसका उत्तर उतना ही आ रहा है या नहीं। और कुछ नहीं कहना है, ये हो जाएगा 204 जीरो 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 और 102, तो 4040 एक। अब 10404 में फिर से 102 का गुणा किया तो 4×8 ये आया 0000 आया, फिर 10404 आया तो 1060 की जगह 1208। तो बच्चों ये और ठीक है, अब इसी इस सूत्र से ऊपर वाले से करें ठीक है। कौन से सूत्र से आपने किया है, कोई बच्चा खड़े होके बताए? ये बाघ धार का बच्चा जो अभी खड़ा था, ये बताओ दोनों में से कौन सा सूत्र आपने लगाया? ये अच्छा लगता है कि ये बात? हाँ आपका माइक चल रहा था बच्चों, बताओ। यस मैम। कौन सा वाला फॉर्मूला इससे लगाते हो कि नीचे वाले से लगाते हो स्कूल में? कौन सा लगा? ऊपर वाला। चलो ऊपर वाले से भी करके दिखाती हूँ। मैम आप थोड़ा कैमरा नीचे करिए। नीचे? हाँ मैम ऊपर ऊपर दिख रहा पर नीचे नहीं दिख रहा। अच्छा तो मैं ऊपर करने की कोशिश करती हूँ। हाँ 102 का क्यूब तो 100×2 का क्यूब और ए का मान है 100 और बी का मान है 2। फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए का क्यूब, 3ab² और बी का क्यूब। रखो 100×2 का क्यूब बराबर 100 का क्यूब 3×100 का वर्ग गुणा 2, 3×100 गुणा 2 का वर्ग और 2 का क्यूब। बच्चों इसी में देखो आपने एक फॉर्मूला लिखा, एक नंबर आपको मिल गया, आपने मान रख दिया, एक नंबर वहां भी आपको मिल गया है ना, ए और बी पहचान लिया, एक नंबर ये हो गया ठीक। तो हर स्टेप में यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हो क्या ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, करना है सारा कुछ करना है, लेकिन इतना भी यदि याद करते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप देखो 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 गुणा 2 × 4 4 × 100। हेलो हाँ बोलो बच्चों। सही नहीं दिख रहा है अभी भी नहीं दिख रहा है? जी मैम। अब तो मैंने ऊपर लिखा है बच्चों बहुत। मैम जहाँ पे स्क्रीन आ रही थी वहाँ पर कुछ और आ रहा है। कितने बच्चों को पूरा दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? ये बैतूल भीमपुर वालों को दिख रहा है? हाथ खड़े करके बताओ दिख रहा है? मैडम हाँ। हेलो मैडम, ये जो शेयर हो रहा है अपना वो आप जो पढ़ा रहे हैं वो चीज शेयर नहीं हो रही है, कुछ और आ रहा है? हाँ। फ्लिपकार्ट से अमेजोन से ये शॉपिंग चल रही है। अनीता बोलना, ये आपके यहाँ की प्रॉब्लम होगी ये तो नहीं नहीं हमारे लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है मैडम, वहीं से कम्युनिकेशन वहीं से गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट मैं दिखवा लेती हूँ, सारे बच्चों को मैं नहीं दिख रही हूँ। छोटे बोर्ड पे दिख रही है मैडम। अच्छा हाँ। एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके वजह से हो जाता है क्योंकि मुझे हमारे स्क्रीन पे मैं दिख रही हूँ,
ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है, हमारे पास जो स्क्रीन है यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे आप नहीं दिख रही हूँ, फ्लिपकार्ट का कुछ दिख रहा है। देखिए बात करिए। ये ज्ञानोदय होशंगाबाद की स्क्रीन यहाँ नजर आ रही है सर। हेलो, ज्ञानोदय होशंगाबाद का स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। सर कहाँ पर शेयर हो रहा है सर? ये जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड पर जो बड़े स्क्रीन पे मैडम दिखना चाहिए तो वो न दिखकर वो छोटे स्क्रीन पे दिख रही है, और ये बड़ा स्क्रीन पे ये ज्ञानोदय होशंगाबाद ये दिख रहा है। सर हमारे यहाँ क्लियर दिख रहा है, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है सर? नहीं, हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वहीं से है जो भी दिक्कत है वो। सर नहीं है, मेरे सिस्टम पर मैं मैडम जी सर भोपाल से क्या बात करें सर, वो वहाँ से शेयर करवा रहे हैं शायद। हेलो मैडम, आ गया सर अभी? ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये पहले वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को रखा और पूरा हल कर लिया, अब हम जोड़ेंगे तो हमें ये 106.1208 मिलेगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान। 102 की जगह यदि मैं 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 की जगह आप 3 लिख लेना। लिखना तो 100 धन 2, 100 धन 3, 100 धन 4 भी है, तो बहुत आसान है। और इन केस यदि 99 आता है तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ दिक्कत है? चलिए आगे बताऊ मैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे अभी। जो परीक्षा, हाँ बोलिए मैम। माइनस वाला बता दीजिए, इसमें कौन सा वाला बता दूं? माइनस का इसी में माइनस का। अच्छा अच्छा बिल्कुल बता देती हूँ, एक मिनट है ना, मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो भी बता दूं पहले। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, सत्यापित कीजिए कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी अच्छा है और परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, जो आपने माइनस बोला है 99 का क्यूब यदि है तो मैं लिखूंगी 101 का क्यूब, और मैं फॉर्मूला लिखूंगी ये वाला, ठीक है। और एक ही जगह पे मैं रख दूंगी 100 और बी की जगह पे मैं रख दूंगी 1, ठीक है। और इसको हम हल कर लेंगे तो ये आपका 99 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल है आपका, सत्यापित कीजिए कि गुणा एक्सरेड वाई का स्क्वायर धन वाई रेड जेड का स्क्वायर धन जेड रेड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है। कैसे आसान है ये? हम इसको राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड हमारी है ये, इसको पूरा खोलेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2ab बी का, फिर वाई एंड जेड को भी खोलेंगे तो 2yz z, इसको खोलेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx और x स्क्वायर। अब हम देखते हैं x स्क्वायर दो बार है, y स्क्वायर भी दो बार है, z स्क्वायर भी दो बार है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। सब में से दो को हम कॉमन ले लेते हैं,
तो हमारे पास बचा ये इस दो को इस दो से हम काट देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आइडेंटिटी की जब बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि ये फॉर्मूला तो किसका है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का ये सूत्र है। कुछ भी नहीं करना था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को खोलना था, वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर को, जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इसको खोलना था। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से तीन वाला भी, ए धन बी धन सी, ए धन दो बी धन चार सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चाहो तो एक प्रश्न आप, वैसे बच्चों समय हो गया है लेकिन फिर भी एक सवाल मैं उसका करा देती हूँ आपको, तीन वाला। ठीक है, कोई सा भी सवाल तीन वाला देख लो। और ये पूरी प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली को जरूर करें। x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, मैं आपको केवल हिंट दे रही हूँ इसकी, ये हम कैसे करेंगे। हमने आपको अभी a धन b धन c चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में, फॉर्मूला आपने देखा कि किस तरीके से होता है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ साइड में आप लिख लो, a हमारा x है, b हमारा 2y है और c हमारा 4z, और हर एक को यहाँ से ढूंढ ढूंढ के रखना है। a कितना है x, तो x का b कितना है 2y, 2y का 4, c कितना है 4z और 2, ए है बी है 2y, बी है 2y, सी है 4z और सी है 4z और ए है x, उठा के हमने मान रख दिया। एक नंबर तो आपको इसी का मिल गया फॉर्मूला, एक आपने मान रख दिया। अब आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या गलती होती है बच्चों? सिर्फ ये गलती होती है कि 2y का वर्ग है तो हम भूल जाते हैं, y पे तो स्क्वायर लगा लेते हैं लेकिन 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो ऐसा 5 बार अपनी कॉपी में लिख लो कि जब हम 2y का स्क्वायर करें तो 2 का भी करें, 2 का भी करें और y का भी करें, तो x का स्क्वायर और 2 दुनी 4 हो जाएगा। 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और बाकी तो आप क्या करोगे, 4 चौको 16 बराबर और 8z, ये सिर्फ आपने गुणा करके लिखा। गलतियां यही पर होती है जब हम इनका पूर्ण वर्ग नहीं करते। पूर्ण वर्ग का मतलब जितनी चीजें अंदर हैं सबका स्क्वायर करते। ठीक है, तो ये पूरी प्रश्नावली 2.5 और इसके उदाहरण ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एकाध सवाल तो इसमें से आता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से आप। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, कुछ यदि जानना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए।